अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कंपोनेंट्स सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक कंप्यूटर जो है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर होता है या उसकी मेमोरी होती है या इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स कनेक्टिंग द वेरियस मॉड्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। अब ये जो है आपस में मॉड्यूल जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उनके लिए जो पाथ हमने प्रोवाइड किया होता है, बेशक वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो आपका इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरकनेक्शन नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क आपने जब इंटरकनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए डिफरेंट आप आर्किटेक्चर्स यूज करते हो, जैसे कि टाइम शेयर्ड मेमोरी बस है, मल्टीपल पोर्ट मेमोरी है, क्रॉस बार स्विच है, मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क है या हाइपर क्यूब सिस्टम है। सबसे पहला है टाइम शेयर्ड कॉमन बस। अ सिस्टम कॉमन बस मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कनेक्टेड थ्रू पाथ टू ए मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, टाइम जो है वो वेरी करता है और एक आपके पास बस होती है। ये वाला जो, इसको बस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एक चैनल है जिसके थ्रू, ये एक वायर है जिसके थ्रू मल्टीपल प्रोसेसर्स या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट है एक मेमोरी यूनिट के साथ। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है इन तीनों का इस एक वायर के ऊपर, ये हमारी जो वायर कहलाती है बस, इसी वजह से उसको हमने टाइम शेयर्ड कॉमन बस का नाम दिया है। मल्टीपोर्ट मेमोरी में क्या होता है, इन मल्टीपोर्ट मेमोरी सिस्टम सेपरेट बसेस बिटवीन ईच मेमोरी मॉड्यूल एंड ईच सीपीयू इज अप्लाइड। आपके जो मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये MM मेमोरी मॉड्यूल्स को डिनोट कर रहा है और ये आपके सीपीयूज हैं, उनके दरमियान जो है एक सेपरेट बस इम्प्लॉय हो रही होती है। यानी इसकी जो है एक बस ये है, इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये, हर एक सीपीयू के साथ जो बस अटैच है उसने मेमोरी मॉड्यूल के साथ ऐड होना है, हर मेमोरी मॉड्यूल के साथ। यानी इन चारों सीपीयूज की जो बसेज हैं वो इस एक मेमोरी मॉड्यूल के साथ अटैच हैं, जबकि इस एक मेमोरी मॉड्यूल की सिर्फ इस एक सीपीयू के साथ अटैच है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये शेयर हो रही है मेमोरी। तो इसमें यही जो है मल्टीपोर्ट सिस्टम कहलाता है, जिसमें आपकी जो सेपरेट बसेस यूज होती हैं हर मेमोरी मॉड्यूल और हर सीपीयू के लिए, और आपस में उनका इंटरकनेक्शन होता है। क्रॉस बार स्विच में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स दैट आर प्लेस्ड एट इंटरसेक्शन बिटवीन ए प्रोसेसर बसेस एंड मेमोरी मॉड्यूल पार्ट्स। क्रॉस बार स्विच जो होता है उसमें ये होता है कि जहाँ पर आपका स्विच जो है, ये स्विच की एक बस है आपकी जो इंटरकनेक्शन की सीपीयू के लिए और ये मेमोरी मॉड्यूल के लिए, जहाँ पर इसने एक क्रॉस किया मेमोरी मॉड्यूल की वायर ने सीपीयू की वायर को, वो एक आपका स्विच कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने प्रोसेसर और जितनी मेमोरीज हैं उन सब के जहाँ जहाँ वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो उसको हम क्रॉस पॉइंट बोलेंगे। और इस तरह का जो सिस्टम या आर्किटेक्चर होगा वो आपका क्रॉस बार स्विच होगा। इस पर भी देखें कि आपकी सारी मेमोरी जो है वो शेयर हो रही है हर सीपीयू के साथ। ये मेमोरी मॉड्यूल भी इस सीपीयू के साथ भी अटैच है, इस क्रॉस पॉइंट से, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, चारों सीपीयूज के साथ एक मेमोरी मॉड्यूल अटैच है और इसी तरह से चारों सीपीयूज भी एक मेमोरी मॉड्यूल के साथ अटैच है। मल्टी स्टेज स्विचिंग में क्या होता है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए मल्टी स्टेज नेटवर्क इज अ टू इनपुट एंड टू आउटपुट इंटरचेंज स्विच। इसमें आपके स्विचेस जो हैं वो आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, जिसमें दो इनपुट ही आपकी होती हैं और दो ही आउटपुट होती हैं। ठीक है, ये जैसे आपका एक स्विच लगाया हुआ है हमने और इसमें दो इनपुट्स हैं और ये इसने दो आउटपुट्स जनरेट किए हैं। ठीक है, हर एक के आगे जो है फिर आगे दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स, फिर हर एक स्विच के आगे जो है वो दो इनपुट्स और दो आउटपुट्स, हमने इस तरह से करके जो ये एक स्टेज पर है, ये इसकी सेकंड स्टेज है, ये इसकी थर्ड स्टेज है, और फिर इसके साथ जो है मजीद आगे चार अटैच हो जाएंगे, इसके साथ भी मजीद, इसके साथ भी, तो ये एट हो जाएंगे टोटल। इसी तरह से जो है ये नेटवर्क आपका स्विचिंग नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपके कंपोनेंट्स की बेसिस के ऊपर, तो इसको हम मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क बोलेंगे। हाइपर क्यूब में क्या होता है, हाइपर क्यूब और बाइनरी क्यूब, हाइपर क्यूब को हम बाइनरी क्यूब भी बोलते हैं। मल्टीप्रोसेसर स्ट्रक्चर इज अ लूजली कपल्ड सिस्टम कंपोज्ड ऑफ
n इज इक्वल्स टू 2 पावर n, यानी इसमें हमारे पास n जो है वो आपके स्ट्रक्चर्स में यानी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक बाइनरी क्यूब के अंदर, n डायमेंशनल बाइनरी क्यूब के अंदर अरेंज होता है। हाइपर क्यूब स्ट्रक्चर्स में जो n है हमारे पास, ये उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1, 2, 3। तो जब आपका क्यूब n की पावर 1 होगी, 2 की पावर 1 है जब, तो आपका 1 क्यूब होगा जिसमें आपकी 2 बिट्स होंगी 1 एंड 0। इसी तरह से जब 2 की पावर 2 होगी तो वो आपका 2 क्यूब होगा, और इसका जब 2 की पावर 2 है तो उसका आंसर 4 आएगा। तो 4 से हमें पता चल जाएगा कि ये 2 क्यूब है और जिसमें हमारे पास 2 बिट्स आएंगे, 2 बिट्स होंगी तो ऑब्वियसली उसके 4 सेट बनेंगे। इसी तरह से जब 3 है तो 2 की पावर 3 आपका 8 होगा, इसका मतलब आपकी 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स के लिए हमें जो है वो 3 क्यूब यूज करने हैं, जिसकी 3 बिट्स आएंगे इसमें, 0 0 0 से 1 1 1 तक आपकी जो है वो होगी। इसी तरह से अगर हम n की पावर्स को वेरी करते जाएंगे तो आपका हाइपर क्यूब जो स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करता जाएगा।